नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। सागवाड़ा शहर की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए एकता समाचार सागवाड़ा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एवं हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रीमान प्रेमचंद जी डामोर पूर्व सरपंच आरा गांव, पिता स्वर्गीय हुकाजी डामोर दो बार आरा गांव सरपंच, माता धुरी देवी, पत्नी श्रीमती सविता देवी डामोर एवं श्रीमती सविता। जन्म तिथि 30 जून 1973। पुत्र 4 धनपाल, दीपक, हितेश एवं मोहनलाल। पुत्री 1 मनीषा। पुत्रवधु जया डामोर वर्तमान सरपंच आरा गांव। निवासी गांव आरा, ग्राम पंचायत आरा, पंचायत समिति सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राज्य राजस्थान। हमारे प्रेमचंद जी आरा सरपंच साहब, शुरुआत जो है माता रानी के दरबार से शुरू करते हैं। सरपंच साहब बताइए, आपका सुबह उठते साथ आप पहला काम क्या करते हो? मैं सुबह उठते पहले फ्रेश होने के बाद माता जी की दर्शन करता हूँ और पूजा करता हूँ। ये कौन सा मंदिर है साहब? विजया माता जी मंदिर। विजया माता जी हमारे कुल देवी जो है, कुल देवी आसपुर के अंदर जो विजया माता जो है, हैं उनसे ये वो बड़ा था ना कि इससे छोटा। अच्छा, ये जो है वो धुनी है। अच्छा, माता जी की धुनी है ना। माता जी की धुनी, ठीक है ठीक है। ये नारियल का हरा में हवन होता है, तो भी किसी का पैर लंगड़े हो जाते हैं। माता जी ने आराम पड़ी जा। अच्छा अच्छा, तो यार समाज का तो यहाँ आता है, राहत मिलती है ना। हाँ, मिलती है। जो हाथ जो है, हाथ के बदले लकड़ी का हाथ बना के यहाँ चढ़ावा चढ़ाते ताकि उसकी हाथ पैर में अच्छा राहत मिल सके। अच्छा अच्छा, लखवा वाला या कोई वाले लोग आते हैं कि राहत मिलती है। पैर में है, पैर चढ़ाते। अच्छा, पैर चढ़ाते, ठीक है। हाथ में है तो हाथ चढ़ाते। हाँ, फिर यहाँ चारों ओर घूम के। कौन से दिन आना पड़ता है यहाँ पे? रविवार। हर रविवार को? हर रविवार को मेला भरता है। जाते रहते हैं यहाँ, हर रविवार को 200-500 लोग यात्री आते हैं। अच्छा, ये पहले जब 95 में सरपंच बना तो पहली बार ये भवन बनाया था अपने। अच्छा, ये भवन अपना गांव योजना के अंतर्गत लाए थे। ये भवन, ये पहला काम है 95 में। और ये क्या टांग रखा साहब? ये तो सबके इधर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। हमारे सांसद महोदय ने आपका ये गांव गोद ले लिया है, और गोद लेने के बाद सांसद महोदय को यहाँ से क्या उपलब्धि मिली जरा बताइए। सांसद महोदय यहाँ आए, इसके बाद में दर्शन के इसके बाद में कार्यक्रम रखा। सांसद महोदय ने ये कहा है कि यहाँ इस माता जी को मुझे अच्छी भाव पुरुष को माता जी के दर्शन करके उसके बाद में जानते हैं कि मैं भी यहाँ आके आए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ बाउंड्री बनानी है, बड़ा हॉल प्रतिष्ठालय बनाने के लिए साहब ने निवेदन किया है, और वो बहुत जल्दी जल्दी काम। आपका आरा गांव गोद लिया कनकमल कटारा साहब ने, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद है, उन्होंने आरा गांव गोद लिया। गोद लेने के बाद यहाँ क्या क्या उद्धार होगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। उद्धार के लिए माननीय सांसद महोदय ने निवेदन किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि नदी जो है झाड़िया वगैरह नदी को अपने सफाई करेंगे, एक छोटा सा एलिगेट बना के यहाँ का पानी रोक के फिर यहाँ स्नानागर अलग से बनाए जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और शौचालय भी अलग से बनाए जाएंगे, और प्रतिष्ठालय यात्रियों के लिए बड़ा हॉल बनाने की और बाउंड्री वाला अच्छा गार्डन सिस्टम बनाने की उन्होंने बात रखी है। तो पूरे गांव को भी अच्छा बनाने, साफ सफाई हेतु अच्छे बनाने की अच्छा हम प्रयास कर, समस्त ग्रामवासी हम साथ रखे अच्छा काम। ये माता रानी का दरबार है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए सर। ये क्या है कि हमारे पितृदेव है, पूर्वज वासी जी, हमारे पितृदेव समस्त जी पितृदेव हैं। ये हमारे पितृदेव जो चिरार डालते हैं, चिरा हैं सबके, पहले चिरा ये ऊपर का पड़े रहते, लेकिन मैंने पंचायत हाथ में आया इसके बाद पितरों को समस्त ये दीवार बना के पक्के में फिट किए, और अभी सभी हमारे समस्त लोग भले के यहाँ के दर्शन करते हैं, पितरों को
नारियल भी हवन करते, अगरबत्ती करते, घी चढ़ाते, इस प्रकार ये करते। यहाँ पे क्या मांग की गई आपकी और सांसद जी ने क्या घोषणा की है? सांसद जी ने घोषणा नहीं की, लेकिन ये काम हमने दिया था तो इसका प्रतिशाली के हॉल, अच्छा जो जमीन पड़ी हुई है, जमीन पड़ी थी, हॉल, शौचालय और नदी की सामने जो नदी है नदी को पूरी सफाई के लिए साहब ने बात कही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल साहब। ये थे हमारे आरा सरपंच साहब प्रेमचंद जी डामोर साहब। 1995 से 2000 तक आरा गांव के सरपंच रहे। इसके अलावा भाजपा इकाई अध्यक्ष आरा गांव, ग्रामीण मंडल मंत्री सागवाड़ा, शक्ति केंद्र प्रभारी काठल एवं जिला महामंत्री एसटी मोर्चा भी रहे। 2005 से 2010 एवं 2010 से 2015 तक दो बार इनके पिताजी स्वर्गीय हुकाजी डामोर भी आरा गांव के सरपंच रहे। वर्तमान में इनकी पुत्रवधु श्रीमती जया डामोर आरा गांव की सरपंच है। बताइए सरपंच साहब, आपके कार्यकाल का की उपलब्धि कौन सी है? ये 2005 में पहली बार नरेगा जो चालू हुई, उसमें पहली बार ये बोलिया बनाया। बोलिया मेरे लोग यहाँ पानी में बढ़ के माता जी के दर्शन करने जाते थे। पूरे लूले लंगड़े जो लोग आते हैं पूरे पानी में छोटे जाते थे। हमने बोलिया का निर्माण किया, उसके बाद में पूरे काठल क्षेत्र जो दूसरा कोई रोड नहीं था, गांव के अंदर होके जाते थे, बार बार घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन ये बाईपास निकालने से बहुत सारा फायदा होगा। पूरे कांटर के लोग यहाँ बाईपास होकर निकलते हैं और जहाँ गांव में जो बहुत सारी घटना जो होती थी वो कम होगी और ये बाईपास अलग से निकल गया ताकि सीधा। और पूर्व में मैं कनक मंत्री कटारा साहब जो गाँव मंत्री थे उस समय तीन मंत्री यहाँ पधारे थे माता जी मंदिर पर। अच्छा, मंत्री भवानी जोशी जी और अपने मदन जी दिलावर, कनकबल जी कटारा। उस समय ये रोड उन्होंने कथागढ़ से लेकर ये रोड यहाँ तक का रोड बनाया। उसके बाद में पंचायत द्वारा मैंने ये नरेगा से उन्होंने कहा कि सेंक्शन करो, तो इन्होंने कलेक्टर साहब को कह के निकाले और ये नरेगा के अंतर्गत काम हुआ पूरा पुलिया। पहले बहुत धंधे स्थिति थी यहाँ पे, ये पुलिया बनाने के बाद आने जाने वाले रागीरों को बहुत आसानी हुई। यहाँ से बहुत चमलिया पंडिया है, लेबोड है, भूषा है, बहुत से लोग सागवाड़ा डेली अप डाउन करते हैं। हमारे ये प्रेमचंद जी का परिवार जो है वो चार बार सरपंच रहा और उनके कार्यकाल कैसा रहा आप बताइए। मैं तो दूसरी पंचायत का हूँ, लेकिन मैं बाजू की पंचायत का हूँ, लेकिन मुझे हमेशा प्रेमचंद जी के सरपंच के उसमें बहुत अच्छे अच्छे कामों की वो तारीफें सुनी है मैंने और देखा भी है। बाजू की पंचायत है तो बहुत बढ़िया काम है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ भाई साहब बताइए, ये तालाब का नाम? ये दुगेला तालाब है। यहाँ पे जो जमीन भी पड़ी हुई है, जमीन भी उपलब्ध है, पूर्व में भी यहाँ अंदर रिंगवाल बनाई हुई है नरेगा द्वारा, पंचायत द्वारा। लेकिन मैं आने वाले समय के लिए अच्छा चाहता हूँ ये तालाब जो वो मंडल तालाब के रूप में बने और ये सागवाड़ा आरा बुच्चा मेन रोड पर स्थित तालाब है। यहाँ पे अच्छा मॉडर्निंग के रूप में अच्छे घाट सिस्टम बना सकते हैं, अच्छे प्रकार के पर्यटक भी, ये जमीन है पंचायत के पास में तो यहाँ अच्छी तरह से बन सकते हैं। इसी में सूर्य योजना बना रहा हूँ इस तालाब को और भी आने वाले समय के लिए घाट सिस्टम और अच्छे अच्छे यूँ वृक्षारोपण करके अच्छा उपजाऊ बनाऊँ इस तालाब को। और इसकी गहराई बहुत है, पूर्व में नरेगा द्वारा इसमें इस पाल के लिए बहुत सारी मिट्टी डली गई है, अंदर जो अब तो डूब गई है, अंदर वो पूरी दीवार फैस वाला बनी हुई है फिर लंबी तक, तो वो भी अभी ढक गई पानी के अंदर, लेकिन इसके अंदर पानी भी अगले साल तक पानी रहता है इसके अंदर। अच्छा, और इसके अंदर कोई रिचार्ज चार्ज नहीं, अच्छा तालाब है और रोड मेन रोड के साइड। आने वाले समय में आप सांसद महोदय से या आपके कार्यकाल के अंदर ऐसा कुछ प्रस्ताव लाइए जिससे सागवाड़ा वासी भी यहाँ आ सके। मैं ये मेरे पंचायत में दो ही तालाब है, लेकिन मैं इसका आने वाले समय के माननीय सांसद महोदय से निवेदन करने के बाद इन्होंने कहा कि इस पर अच्छी अच्छी योजना बनाओ, इस योजना को
दो हमारे तालाब जोड़ने हैं। इसके अंदर मैं ये तालाब, ये लुगड़ा तालाब भी लूंगा और तालाब हियान भी लूंगा। वहाँ पे मंडल तालाब के रूप में सांसद महोदय को निवेदन करेंगे कि साहब इस प्रकार हमारे दो तालाब है और आने वाले समय के लिए जलस्तर अच्छा रहे और इस पूरे पंचायत के आजूबाजू जो भी है उसकी सिंचाई हो जाए, जल की मात्रा और ऊपर आए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उपलब्धियां: एनीकट निर्माण, स्वजल धारा योजना, माताजी पुलिया का निर्माण, महादेव मंदिर का रिंगवाल, पुलिया शमशान घाट आरा का निर्माण, हिंगलाज मंदिर के पास पुलिये का निर्माण, मानकपुरा सीसी सड़क का निर्माण, सीनियर एवं हाई सेकेंडरी विद्यालय में कमरे एवं बरामदे का निर्माण, आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, गाँवों में रोड लाइट एवं तालाबों के सौंदर्य हेतु अनेक कार्य किए गए। उपसरपंच यह है हमारे उपसरपंच, अपना नाम बताइए और आपका कार्यकाल कब से? मेरा नाम कसरू पाटीदार है। मैं ये 5 साल से वर्तमान में ये अभी हूँ और हमारे जो यहाँ उपलब्धि यही है कि जो ये चमेली वाल से ये रिंग वाल दोनों साइड में बनी हुई है, महादेव का मंदिर है जी। और ये शमशान घाट के को नया प्रस्ताव लिया है, हालांकि ये शमशान घाट जो जरूर बनाना आवश्यक है अच्छा। और एक पुलिया चमेली वाल के पास में अर्जेंट से अर्जेंट अगर कोई किसी की चौमासा के टाइम में डेथ हो जाती है तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे संपूर्ण गांव में सीसी सड़क भी अच्छा बनाने के लिए और ये पुलिया भी बना अच्छा है। एक नीचे बनाया है वो भी अच्छा बना हुआ है। सांसद जी कनकमल जी कटारा बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद ने आपका ये गाँव गोद लिया, तो इसके लिए आपकी बड़ी क्या योजना है आगे, कोई बताइए आप हमारे लिए। देखो पहली योजना तो ये की है कि हमारे चमेली ये शमशान घाट पे आने के लिए पहले तो ये पुल बनाना है ठीक है। दूसरी योजना ये है कि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। पहले हमें राज्यसभा सांसद थे, उसी वक्त उन्होंने उनकी देन से हमारे गांव में 36 लाख रुपये सेंक्शन कराया है, तो आज तक हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें पहला आवश्यक तो जो वगैरह के पास में जो एनिकेट बन रहा है जी, उसका अगर पानी हमको सागवाड़ा से अगर हमारा जोड़ दिया जाए तो सबसे हमारी उचित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले में वर्तमान में हमारे जो सरपंच थे कार्यकाल में पहले, वो आज से 25 साल तक का उनका ही कार्यकाल चला है और बहुत उनका व्यवहार भी अच्छा है। उनका पिताजी भी 2 बार चुनाव में रहे थे, आज उनके वर्तमान उनकी बहू है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस गाँव के अंदर में अच्छी तरह से हमारी माध्यमिक, जहाँ पर डूंगरपुर जिले में कहीं नहीं होगी ऐसी माध्यमिक विद्यालय, उन्होंने आगे बढ़कर बहुत संघर्ष किया और उन्होंने बहुत हमारे आज 600 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षित हैं और बहुत सारा हमारा काम है वो अच्छा किया है गांव के अंदर में। ये पानी और एनिकेट जगह जगह पर एक दो बने और हमारी और ज़्यादा भी ज़रूरत है। ये महादेव का मंदिर है, यहाँ जैसे नासिक जैसा यहाँ कोई न कोई ऐसा पर्यटक भी बन सकता है। पानी भी ये तेजोर तालाब का, नदी का पानी जो बह रहा है वो कहीं ना कहीं 1-2-3 एनिकेट भी बन जाए गांव में, तो गांव के लोगों को घाट भी बन जाए ताकि उस घाट से एक भेदवा माता जी इसी नदी। मैं ताजिंग पाटीदार निवासी आ रहा। सबसे पहले तो मैं हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद आदरणीय माननीय कनकमल जी कटारा साहब का मैं पूरे अपने गांव की ओर से, सर्व समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारा गांव जो उन्होंने आदर्श गांव घोषित किया और जो गोद रखा उनके लिए मैं समस्त गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार देता हूँ। अब रही बात विकास की, वो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं और विकास के लिए आरा के अंदर बहुत सारे कार्य उनके माध्यम से हुए हैं और आने वाले समय में 5 साल में संपूर्ण जो काम हमारे गांव के बाकी हैं उनके माध्यम से संपूर्ण काम पूरे किए जाएंगे। जैसे 2-4 बड़े बड़े काम हैं, रोड है, यहाँ से सेवलिया पंड्या वाया इंगलाज माता जी PWD में उन्होंने कराने की बात बताई है। एक यहाँ आरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आडीवाट वाया माणकपुरा, ये दोनों रोड PWD के माध्यम से
राजस्व गांव है माणकपुरा और वो हमारे से संपर्क में जोड़ा जाएगा। दूसरा जो गौरव पथ रोड का काम भी हमारे गांव के अंदर हुआ है, पूरे संपूर्ण गांव में सीसी रोड बनाने के प्लान भी बनाए हैं और पूर्व में हमारे जो ग्राम पंचायत आरा के सरपंच श्री प्रेमचंद जी डामोर उनके सरपंच कार्यकाल में जैसे 5 साल वो खुद रहे, उसके बाद 10 साल उनके पिताजी रहे, वर्तमान में उनकी पुत्रवधू है, पिछले 20 साल से सरपंच का कार्यकाल उनके परिवार में है और उन्होंने उनके माध्यम से बहुत ही अच्छे कार्य और विकास के काम हुए हैं और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा काम होगा, ऐसी हमारी सबकी मानसिकता बनी हुई है। और आदरणीय कनक जी कटारा साहब द्वारा जो हमारे गांव की जितनी भी कमियां हैं वो मेरे द्वारा विकास कार्यों में मैं संपूर्ण काम पूर्ण करूंगा, ऐसा आश्वस्त आदरणीय सांसद महोदय ने भी हमें दिया है। उनके एक कार्यक्रम हमें रखना बाकी है, उनका स्वागत सम्मान समारोह वो आने वाले समय में हम कुछ हफ्ते भर में रखने जा रहे हैं, उस समय हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और समस्त ग्रामवासी मिलकर सर्व समाज मिलकर उनका सम्मान भी करना चाहते हैं, वो भी हम आने वाले समय में करेंगे। और विकास कार्यों में तो जैसे भारत सरकार में हमारे मोदी जी बैठे हैं और मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, एक तो स्वच्छ भारत, वो मिशन भी हमारे गांव में चल रहा है। अभी वर्तमान दिवाली का समय आया है और ग्राम पंचायत की तरफ से जो सफाई कार्य योजना भी चालू है और भारत का मोदी जी का जो मिशन है उस मिशन में हमारे गांव और ग्राम पंचायत खरी उतरने की हम कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण गांव स्वच्छता अभियान के तहत एक स्वच्छ गांव हम घोषित करें। और सांसद महोदय ने हमें ये भी बताया कि आपके गांव के अंदर एक मॉडल गांव होना चाहिए, जैसे संपूर्ण मकानों के जो कलर हैं वो कलर पूरा एक जैसा करने का जो लक्ष्य रखा है और उसमें हम सभी ग्रामवासी उनको सहयोग करेंगे और उनका जो भी सपना है मॉडल गांव बनाना उसमें भरपूर सहयोग कर हम अपने गांव को गांव का नाम दिल्ली तक पहुंचाने में उनका बहुत ही सहयोग करेंगे। इस बात के लिए जो वापस मैं उनको सांसद महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा गांव की ओर से कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ताजिंग भाई, हाँ जी बताइए, पेयजल के बारे में आपने क्या प्रस्ताव लिया? पेयजल क्या हमारे गाँव में अभी वर्तमान में जो 2005 में हमने एक योजना स्वजल धारा योजना अंतर्गत 80-20 के माध्यम से हमने जन सहयोग से जो पैसा भरा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें 38 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, तो पूरे गांव में हमने वो लाइन बिछा कर पेयजल की व्यवस्था जो की है, कुआं भी खोदा, मोटर लगाई। अभी वर्तमान में जो पानी चाहिए आवश्यकता अनुसार उतना पानी नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं कि नई योजना एक बनाकर गांव के हित में पूरे गांव को संपूर्ण पानी मिले ऐसी योजना माही पे कोई एनीकेट बड़ा बन जाए और वहां से पेयजल की योजना जो बने जैसे गुड़ापला, बूछिया, आरा, चिबुड़ा वगैरह पूरे काठल के गांव आ जाए उसमें, तो सबको पानी की सुविधा पीने की हो जाए ऐसी योजना बने तो वो लाभ हमारे ग्रामवासी आरा को भी मिले, ऐसी मंशा भी हम रखते हैं ताकि पेयजल की सारी व्यवस्था गांव के सभी लोगों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम कसरा नाम है कचरा लाल जी, प्रजापत हो? प्रजापत। अच्छा हाँ प्रजापत जी, बताइए आपके यहाँ पे हमारे ये जो डामर परिवार से 4 बार सरपंच रहे, केवर यू एनन कार्यकाल अच्छू रही ने रोड ने पानी ने बढ़ियो? चलो अच्छू रही। संसद बहन बताइए आपने केवु सरपंच आवेगा? बढ़िया असल कार्यकाल है ननु। अच्छा रोड 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 ने पानी ने सब आवी अपने पानी सालू से आवी रहा है। अच्छा ने आ रोड ने आए जे छोटी मोटी समस्या ही पूरी थई रही है? ना थई रही है, उतना भी राखी रहा है। हाँ अजी भी आ लाइटो नो प्रोग्राम चालू रही है। पीएम प्रधानमंत्री आवास नो पैसा तमने मल्या है?
ना उन्हें मली गया ने मारे लटका पेंशन मली है मिले तमने हां पेंशन सालू है ने मोदी सरकार ने था कि पैसा आवी रे सब मली रिया अच्छा आवारा समय में बढ़िया तो है ने कमलाबा बताड़ो अपने पेमजी भाई आई सरपंच रिया तो तमारा हेत ने फायदो मलियो है फायदो मलियो है कि नहीं मलियो है मलियो ने आवा वाले समय में क्यों सरपंच जुएगा तमने आवाज जुए सोच अभियान के तहत आज हमारे आरा गांव के अंदर सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए और साथ में हमारे सरपंच साहब जो मोदी जी की पहल है कि स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे उसके तहत आज हमारे ये आरा गांव में सफाई करते हुए हमारे सफाई कर्मी बबली भाई ये सफाई वाला काम कब से कर रहे हो आप कटना दाड़ा थी कटना थी क्या एक साल थी गयो अच्छा हमारे ये सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा है अच्छा है आओ वाला समय में क्यों सरपंच जुएगा था मैंने आज सरपंच जुए ने चलो बढ़िया बढ़िया हाँ भाभी जी बताइए आपका क्या नाम है कल्पना जी बताइए ये हमारे जो प्रेमचंद जी डामोर पर साहब का परिवार जो है यहाँ पे सरपंच रहा तो कैसा कार्यकाल है इनका मस्त अच्छा कार्यकाल है आगे समय में कैसा सरपंच चाहोगे आप ये सरपंच साहब ऐसे ही चाहिए ना चलो चलो बताइए साहब हमारे ये जो प्रेमचंद जी डामोर साहब है और हुगा भाई डामोर साहब है इनका कार्यकाल जो पूरा परिवार चार बार यहाँ पे सरपंच रहा इनका कार्यकाल कैसा रहा अच्छा रहा और क्या क्या उपलब्धियाँ थोड़ी बताओगे आप इन रोड बनाया जी पानी की व्यवस्था है और आगे क्या जैसे हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा साहब ने आपका ये जो आरा गांव गोद लिया है तो उस गोद लेने के बाद क्या क्या कमियां क्या क्या आपको मांग की है वो जरा पब्लिक को बताओ लाइट की मांग की है वो काम वो चल रहा है अच्छा तुरंत तैयार हो गया बहुत अच्छी बात है